वंदना गर्ग ने लिखा है, प्रणाम। डू यू थिंक इट मेक्स डिफरेंस व्हेन वी विजिट स्पिरिचुअल प्लेसेस? आई वांट टू विजिट वेयर बुद्धा वाज बॉर्न आर अटेंड इनलाइटनमेंट। आई हैव सीन इन वीडियो व्हेन यू विजिटेड सम प्लेसेस एज वेल। डज इट फील डिफरेंट? वंदना गर्ग पूछती हैं, वंदना गर्ग ने पूछा है कि क्या आध्यात्मिक जगहों को हम जब विजिट करते हैं, उनकी यात्रा करते हैं, तो इसमें कोई अंतर पड़ता है जीवन पे? और उन्होंने लिखा है कि बुद्धा जहाँ पैदा हुए, जहाँ उन्होंने बोध पाया, इन सब जगहों पे यात्रा करना चाहती हैं। और मेरे भी ऐसे वीडियोस देखें जहाँ हम गए हैं, तो उस पूछते हैं क्या कुछ डिफरेंट फील होता है। देखो वंदना, वास्तविकता क्या है कि ये एक भावनात्मक विषय है, एक प्रेम का रिश्ता है। जिससे तुम्हें प्रेम होता है उसकी जगहों पर जाना अच्छा तो लगता है? नहीं लगता। किसी को अगर बुद्ध से कोई लगाव ही नहीं, तो वहाँ जाकर उसको कुछ भी नहीं लगेगा। उसको लगे क्या खंडहर है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। उस भावना को मानना कि यहाँ बुद्ध पैदा हुए थे या यहाँ बुद्ध को बोध मिला था, तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा होगा और हम जाएंगे तो कुछ हमारे अंदर भी दौड़ जाएगा, कुछ चार्जर टाइप का। मैं सोचता हूँ कभी इनोवेटिव टाइम में कोई ऐसा बोधि ट्री बना ही डालेगा जब उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लगाकर तार लटका देगा और लोगों को डिवाइस हाथ में बांध देगा। जैसे आजकल स्मार्ट वॉच आ गई, ऐसी कोई और स्पिरिचुअल स्मार्ट वॉच आ जाएगी, तो लोग जाएंगे उसको अपना पिन कनेक्ट करेंगे तो बैठेंगे, चार्ज हो जाएंगे। ऐसे तमाम लोगों ने बना ही रखे हैं, कहीं किसी ने कोई मूर्ति बना रखी है, तो किसी ने कोई और आकार बना रखा है और कहता है कि बस इस ये हमने चीज़ बना दी है और सब यहाँ से रेडिएट हो रहा है और बस तुम आओगे, इनविजिबल कनेक्शन से कनेक्ट होगे और ध्यान घट जाएगा, रिचार्ज हो जाओगे। अब इनविजिबल तो दिखता नहीं, अच्छी मार्केटिंग करनी है तो विजिबल बनाना पड़ेगा, विजिबल बनाना पड़ेगा। तो कल को कोई बना लाएगा, इंतज़ार करते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि हम जाएं वहाँ पर, फ़र्क केवल हमारे हृदय का है। मैं देखिए बुद्धा की जगहों पे गया, मैं ऐसा तो जाता नहीं कई जगहों पर, बुद्धा से एक लगाव है, एक प्रेम है, मुझे बहुत पसंद है, तो बस इसलिए चले जाते हैं। तो अच्छा लगता, अच्छा तो लगेगा ना, वो एक हार्दिक मसला है। वहाँ कुछ खोजने तलाशने की कोशिश नहीं होती, लेकिन ये हार्दिकता ही बड़ा अंतर ले आती है, हमारा प्रेम ही अंतर ले आता है। जैसे अगर इन जगहों पर हम अगर ये बात सोचें कि कोई ऊर्जा और कुछ ऐसी होती है, तो मान्यताओं का विषय देखिए कितना ट्रिकी है, बिल्कुल आसान सा है। उसको देखिए, एक मुस्लिम है, उसको अपनी मस्जिद में या अपने सेक्रेट प्लेसेस में व्हाटएवर जो भी हैं बड़ा यकीन है, श्रद्धा है, और हिंदुओं को अपने मंदिरों में है। तो जो मुस्लिम है वो काफिर कहकर इनकी मूर्तियों मंदिरों को तोड़ने का काम करता, इतिहास में कितने तोड़ डाले। तो जब तोड़ने आए तो उनको तो नहीं लगा होगा यहाँ कोई सेक्रेटनेस है या कुछ है। अभी भी अपने अपने मत मान्यता के जगह हैं, उनको वहाँ लगता है, दूसरी जगह नहीं लगता। लेकिन अगर कोई प्रेजेंस होगी तो वो हर जगह होगी और वो किसी को भी महसूस होनी चाहिए। हम जहाँ पर अपनी भावना से जुड़ जाते हैं वहाँ हमको अच्छा लगता है, बस इतनी सी बात है। इन चीज़ों को हमको रिचुअलिस्टिक नहीं बना देना चाहिए। कहाँ पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, अच्छी लगती है जगह। हम लोग भी गए अभी पिछले साल, जस्ट जब कोविड स्टार्ट हुआ उसके पहले हम लोग लुम्बिनी गए थे, नेपाल में पड़ता लुम्बिनी, अच्छी खूबसूरत जगह, सुंदर लगती है, बड़ा अच्छा सा उन्होंने मेंटेन भी किया हुआ है, वो लुम्बिनी वन जहाँ पर बुद्धा पैदा हुए थे। तो विजिट करने का मन है, करिए, बहुत अच्छे से इंजॉय करिए। लेकिन ये हमको अच्छा तब लगता है जब हमें उस तक से, उसके ज्ञान से, दर्शन से कोई लगाव, कोई प्रेम रहा। नहीं है तो हमको नहीं लगेगा। और लगाव तक ही सीमित रहना चाहिए, वो फैनेटिज्म में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं।
बदल जाना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग जाके लौटने ही लगते हैं ज़मीनों में कि हम पा लिए यहाँ पर कुछ ऐसी पुण्य भूमि जहाँ पर हम सब लपेट लेंगे अपने ऊपर, तो वो भी थोड़ा क्रेजी सा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग मेरे साथ विजिट करना चाहते हैं तो बेशक प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप लोग आएंगे तो विजिट करेंगे। हमारे जगह बिल्कुल पास में तो एक जगह है जहाँ पर पिछली बार लीला शिविर में भी ले गए थे बहुत लोगों को, श्रावस्ती, जहाँ वो 27 साल रहे थे, और बाकी नेपाल में है, फिर बिहार में है, ये सब है, और बनारस के पास सारनाथ है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह। और बुद्धा ही क्या, जहाँ पर आप का दिल जुड़ता है वहाँ की तमाम जगह हो सकती हैं अच्छी सुंदर, जहाँ पे जाया जा सकता है। तो बस केवल उस हार्दिकता के साथ जाइए, वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा निकालने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है।